में स्थित हज इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है। हर साल हज यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु सऊदी अरब के मक्का में स्थित हज की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। सऊदी अरब के हज यात्रा पर जबलपुर निवासी इसरार अहमद अंसारी भी गए थे। सऊदी सरकार ने उन्हें मृत बताया है, जबकि परिवार वाले मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि मौत हुई है तो उनका शव कहाँ है, वे उन्हें मिसिंग मान रहे हैं। 14 जून के बाद से परिवार वालों का हज यात्री से संपर्क नहीं हो पा रहा। परिजन ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मदद की गुहार लगाई है। उन्हें बताया कि सऊदी अरब सरकार ने जो डेथ लिस्ट जारी की है उसमें गड़बड़ी है। इस पर कलेक्टर का कहना है कि इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में एम्बेसी से भी बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। क्या घटना हुई वहाँ पे? ये हमारे वाले साहब हैं, ये पापा हैं। मैं 15 तारीख को हमारी आखिरी बात हुई थी और 16 तारीख से आज 21 तारीख हुए जा रही, तब से हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ जा रहा। हम वहाँ के मौलम से फ़ोन लगा रहे हैं, हम वहाँ से बहुत तकरीबन बहुत से लोगों से बात किए, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, कोई कुछ रिपोर्ट दे रहा है, अतः हमें सही रिपोर्ट मिल नहीं पा रही है। कोई बोल रहा है कि भाई उनके साथ कुछ हो गया है या उनके साथ, जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, मतलब हमें बहुत दुख के साथ ये सुनने मिल रहा है कि हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये इसका सबूत नहीं है, ना हमें फ़ोटो दिखाई जा रही है, ना कोई वीडियो दिखाई जा रही है। तो अतः हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पापा को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और जिस हालात में है वो हमें दिखाया जाए। भारत सरकार से हमारी ये विनती है। नाम अजीम अहमद। आज हम सब हमारे क्षेत्र के इसरार अहमद, जो कि हज करने गए हुए थे, रवाना हुए थे। आज 6 दिन पहले ये जानकारी आई कि वो मिसिंग हो गए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं लग रही है। सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा जो मेल आया, उस मेल में भी गड़बड़ी है। रूम नंबर नहीं डला है, उनका जो सीरियल नंबर है वो गलत है, उनका जो नाम है इसरार अहमद है उसमें इदरीस अहमद है। तो ये सब चीज़ें लेके हमने राष्ट्रपति के नाम पे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, विदेश मंत्री जी के नाम पे और सऊदी अरब एम्बेसी के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और उनसे आग्रह किया है कि इसरार अहमद जी की जानकारी लेके, हमें भारत सरकार के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत हम उनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि जल्द से जल्द इसरार अहमद जी की हम लोगों को जानकारी मिलेगी। भारत सरकार के द्वारा, माननीय कलेक्टर जी के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि इसरार अहमद जी की स्थिति में क्या है, क्योंकि अभी तक लोग हैं। अभी तो हम लोगों के एक्चुअल में ये बताया गया है कि वहाँ पे गर्मी के अभाव के कारण कुछ लोग मिसिंग हो गए हैं, पर अभी तक जो जानकारी सऊदी अरब गवर्नमेंट से भी आई है मेल के द्वारा वो भी ठीक नहीं आ रही है। नाम गलत है, मकतब नंबर गलत है, मकतब नंबर इनका जो इसरार अहमद का जो नंबर है उनका 283 है और जो अरब कंट्री से जो आया है उसमें 296 आया है, उनका रूम नंबर नहीं दिया है। यही चीज़ें पूरे दस्तावेज हमने कलेक्टर महोदय जी को सौंपा है। जबलपुर से कितने होंगे? जबलपुर से तो अभी 200 से 250 हाजी लोग गए हैं, पर अभी जो मिसिंग की जो जानकारी है वो इसरार अहमद जी की जानकारी है। सर, नाम पार्षद सफी शीरा। Thank you.